Welcome back, my dear kids. How are you? I hope you all are fine. Today we are going to start another chapter of our SST book by Brain Root series. The name of our book is Jelly Bean Journeys in Social Studies, Class 1. आज हम अपना चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे और हमारे चैप्टर का नाम है पीपल हु हेल्प अस, वो लोग जो हमारी मदद करते हैं। बच्चों, हम सब काम अपने आप नहीं कर सकते, कुछ कामों को करने के लिए हमें दूसरे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए अब हम उनके बारे में पढ़ते हैं। सम एंड सब्सटेंस, इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे नीड ऑफ हेल्पर्स के बारे में, द वर्क हेल्पर्स डू, हम उन लोगों के बारे में पढ़ेंगे जो हमारी मदद करते हैं और वो काम पढ़ेंगे जो हेल्पर्स करते हैं। तो सबसे पहले एक एक्टिविटी है, आइडेंटिफाई एंड नेम दीज हेल्पर ऑफ आर कंट्री। यहाँ पे कुछ लोगों की पिक्चर्स बनी हुई हैं, ये क्या है, आर हेल्पर्स जो हमारी मदद करते हैं, हमारी कंट्री की मदद करते हैं। आपको इनके नाम लिखने हैं। सबसे पहली पिक्चर किसकी है, एक आदमी है, उसने पुलिस की ड्रेस पहनी हुई है, तो पहली पिक्चर है पुलिस मैन की। दूसरी पिक्चर है डॉक्टर की और लास्ट पिक्चर है सोल्जर की, तो आपको इनके नाम लिखने हैं। नीड ऑफ हेल्पर्स, हमें हेल्पर्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है, चलिए बताते हैं। वी हैव मैनी टास्क टू हैंडल इन आर डेली लाइफ बट वी कैन नॉट डू एवरीथिंग ऑन ओन। अभी मैंने आपको बताया था कि हमें रोज के कामों को करने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ती है, हम सारे काम खुद नहीं कर सकते। मैनी पीपल असिस्ट अस डेली मेकिंग आर लाइफ ईजियर, बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ते हैं जिससे क्या होता है, वो हमारे कामों में हमारी मदद करते हैं। दे आर हेल्पर्स, वो कौन कहलाते हैं, हेल्पर्स कहलाते हैं। कुक, डॉक्टर, टेलर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, ड्राइवर, गार्ड, स्वीपर, कारपेंटर, गार्डनर एंड बार्बर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ हेल्पर्स। मोची, बढ़ई, पेंटर, बार्बर जो बाल काटता है, कुक खाना बनाता है, डॉक्टर हमें ट्रीट करता है जब हम बीमार होते हैं, बिजली का काम इलेक्ट्रीशियन करता है और गार्ड सुरक्षा करता है, हमारी घर की देखभाल करता है, ये सब कौन है, हमारे हेल्पर्स। द वर्क हेल्पर्स डू, अब मैं अब आपको बताती हूँ कि हेल्पर्स क्या क्या काम करते हैं। अ फार्मर ग्रो फूड फॉर अस, किसान हमारे लिए अनाज उगाता है। अ मिल्क मैन ब्रिंग मिल्क फॉर अस, दूध या दूध लेके आता है हमारे घर में। देखो, दूध हमारी बेसिक नीड है जिसकी ज़रूरत हमें रोज पड़ती है। अ टीचर टीचेस अस, टीचर आपको पढ़ाती है, मैं कौन हूँ, आपकी टीचर और मैं आपको पढ़ा रही हूँ। अ स्वीपर स्वीप्स स्ट्रीट एंड हाउसेस, देखिए स्वीपर क्या कर रहा है, झाड़ू लगा रहा है, साफ कर रहा है, किसको, गलियों को और घरों को। अ मैसून बिल्ड्स आर हाउसेस, मैसून कौन होता है, मैसून बताइए, मिस्त्री, मिस्त्री क्या करता है, हमारा घर बनाता है। अ पोस्टमैन डिलीवर्स आर लेटर, डाकिया हमारी चिट्ठियाँ हम तक पहुँचाता है। अ कॉबलर मेंट्स आर शूज, मोची हमारे जूतों को सिलता है। अ डॉक्टर लुक आफ्टर आर हेल्थ, डॉक्टर हमारी सेहत का ध्यान रखता है। अ कारपेंटर मेक्स आर फर्नीचर, बढ़ई हमारे लिए फर्नीचर लकड़ी से बना सामान बनाता है। अ बार्बर कट आर हेयर, हम बाल कटवाने के लिए नाई के पास जाते हैं। अ वॉशरमैन वॉशेज आर क्लोथ, धोबी हमारे कपड़े धोता है। अ प्लम्बर फिट्स एंड रिपेयर आर वाटर पाइप, वाटर पाइप को ठीक करने के लिए हमें किसकी हेल्प की ज़रूरत होती है, प्लम्बर की। अ गार्डनर लुक आफ्टर द गार्डन, माली माली बगीचे की देखभाल करता है। नाउ इंटरप्रिटेशन, वी मस्ट रिस्पेक्ट ऑल काइंड ऑफ वर्क, द ब्लैक स्मिथ मेक थिंग्स ऑफ आयरन, बच्चों हमें सबका आदर करना चाहिए,
हमें उन सब लोगों का आदर करना चाहिए जो हमारी मदद करते हैं, और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई काम छोटा है या बड़ा है। लोहार क्या करता है? लोहे से बनी चीज़ें बनाता है। Our helper help us a lot. We should be polite to them. We should treat them with respect. Our helpers, helpers हमारी बहुत मदद करते हैं, हमें उनके साथ प्यार से बात करना चाहिए, उनकी इज्जत, उनको आदर देना चाहिए और कभी भी उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। Now time to look over. Many people assist us daily, making our life easier. बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ते हैं हमारी डेली लाइफ को ईजी बनाने के लिए। A farmer grow food for us. किसान हमारे लिए भोजन उगाता है। A plumber fits and repairs our water pipes. We should be polite to our helpers. हमें अपने helpers से बहुत प्यार से बात करनी चाहिए। The blacksmiths make things of iron. Blacksmith हम कहते हैं लोहार को, जो क्या करता है, लोहे से बनी चीज़ें बनाता है। Estimation corner. अब लेसन के बेस पर हम कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे। सबसे पहली एक्सरसाइज है चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन को चुनिए। नंबर वन, अडार स्टिचेस आर क्लॉथ। हमारे कपड़े कौन सिलता है? हमारे कपड़े बार्बर सिलता है, नर्स, टेलर या नन ऑफ दिस। हमारे कपड़े टेलर मतलब दर्जी सिलता है। नंबर टू, अ ब्लैक स्मिथ मेक थिंग्स ऑफ। लोहार किससे बनी चीज़ें बनाता है? आयरन, वुड, गोल्ड या नन ऑफ दिस। तो ब्लैक स्मिथ आयरन से बनी चीज़ें बनाता है। नंबर थ्री एंड नंबर फोर, यू विल डू बाय योर सेल्फ। एक्सरसाइज बी, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हेल्प बॉक्स। अब आपको हेल्प बॉक्स की हेल्प से फिल इन दी ब्लैंक्स करनी है, खाली स्थानों को भरना है। नंबर वन, वी शुड बी डैश टू आर हेल्पर्स। हमें अपने हेल्पर्स के प्रति कैसा होना चाहिए? हमें अपने हेल्पर्स के प्रति पोलाइट, POLITE, पोलाइट होना चाहिए। नंबर टू, वी कैन नॉट डू ऑल द डैश टू आर ओन। हम अपने आप सब क्या नहीं कर सकते, हम सारे वर्क, सारे काम अपने आप नहीं कर सकते। क्या हम लकड़ी से बना सामान बना सकते हैं? नहीं। कपड़े सिल सकते हैं? नहीं। तो हम सारे काम, ऑल द वर्क्स कैन नॉट डू आर ओन, अपने आप नहीं कर सकते। नंबर थ्री, हेल्पर्स मेक आर वर्क। हेल्पर्स हमारे काम को कैसा बनाते हैं? दे मेक आर वर्क ईजियर, आसान बनाते हैं। EASIER, ईजियर। अ डैश मेंस आर शूज़। हमारे जूते कौन सही करता है? हमारे जूते कॉबलर सही करता है। यहाँ हम लिखेंगे COBBLER, कॉबलर। नंबर फाइव, अ डैश बिल्ड्स आर हाउसेस। हमारा मकान, घर कौन बनाता है? तो लास्ट ऑप्शन बचा है हमारे पास मैसून, मिस्त्री। हम लिखेंगे MASON, मैसून। नाउ एक्सरसाइज सी, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। कुछ वाक्य दिए हुए हैं, आपको बताना है क्या वो सही हैं। अगर वो सही हैं तो आप ट्रू लिखेंगे, गलत है तो आप फॉल्स लिखेंगे। नंबर वन, वी कैन डू All the work on our own. हम सारे काम खुद कर सकते हैं। ये वाक्य बिल्कुल गलत है, हम सारे काम खुद नहीं कर सकते, तो हमने यहाँ फॉल्स लिखा। नंबर टू, a barber fits and repair our water pipe. नल और नल के पाइपों को बार्बर ठीक करता है? नो, दिस इज फॉल्स। हमें उसके लिए प्लम्बर की हेल्प चाहिए। नंबर थ्री, A washerman washes our clothes. धोबी हमारे कपड़े धोता है। ये स्टेटमेंट 100% ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे TRUE, ट्रू। नंबर फोर, A driver stitches cloth. ड्राइवर हमारे कपड़े सिलता है। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो हम यहाँ लिखेंगे फॉल्स। हमारे कपड़े टेलर सिलता है।
नंबर 5, अ फार्मर ग्रो फूड फॉर अस, किसान हमारे लिए अनाज उगाता है. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, बिल्कुल सही है. नाउ एक्सरसाइज डी, अनस्क्रैम्बल द लेटर्स टू फाइंड द नेम्स ऑफ सम हेल्पर्स. यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, लेटर दिए हुए हैं, आपको उनको सही से लगाना है और किसका नाम बनाना है, आर हेल्पर्स का. सो माई डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज डी यू विल डू बाय योर ओन. सो इन दिस चैप्टर वी हैव लर्न्ड अबाउट आर हेल्पर्स. हमने उन लोगों के बारे में पढ़ा जो रोज के कामों में हमारी मदद करते हैं. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.